आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं? नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया। बिल्कुल नहीं आए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। मैडम, आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन योर रिक्वेस्ट। आई हैव नॉट कम हियर टू लिसन टू योर सर्मन्स। तो मोदी सरकार को पूरा राइट है कि वो नोटबंदी कर दे, वो 370 हटा दे, वो जेएनयू की चला सकते हैं जेएनयू, नहीं वो जेएनयू की फीस बढ़ा दे, परमाणु आप विरोध कर। आप ई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? आपको इलेक्शन की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं है। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको डर लगा है, हमारे देश में मेनस्ट्रीम मीडिया की छवि गोदी मीडिया के रूप में उभरी है, क्योंकि एंकर सत्ता से सवाल करने की बजाय उनकी फेवर में खड़े दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई बार विपक्षी नेता एंकर को टोक देते हैं। आज हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिनमें नेताओं ने अपने जवाब से एंकर को भी चुप करवा दिया हो। जी न्यूज पर दिल्ली इलेक्शन 2015 से पहले केजरीवाल का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर सुधीर चौधरी ने केजरीवाल के घर और गाड़ी ना लेने वाले बयान पर ज्यादा जोर दिया। इस पर केजरीवाल ने सुधीर को करारा जवाब दिया। अब मैं पलटीवाल वाले उस पे आ रहा हूं कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट, सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट, सुनो, पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। केजरीवाल ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, केजरीवाल ने कहा मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं? नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया। बिल्कुल नहीं आए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। नहीं सर, आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं। टाइम्स नाउ पर असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने मुस्लिम औरतों को लेकर कुछ ओवैसी पर इल्जाम लगाए, जिससे ओवैसी भड़क उठे और एंकर को एक तरफा बताया। हर चीज को आप एक अपीजमेंट या पॉलिटिकल चीज मत बनाइए। अपनी कौम की जितनी भी औरतें हैं उनके बारे में सोचिए, उनको आगे बढ़ाइए। मैडम प्लीज, आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन योर रिक्वेस्ट। आई हैव नॉट कम हियर टू लिसन टू योर सर्मन्स। प्लीज गेट दैट राइट। यू कैन डू इट व्हेन यू पीपल हु आर विलिंग टू लिसन टू यू। आई एम नॉट हियर टू लिसन टू यू, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड प्लीज स्टॉप सर्मनाइजिंग मी। यू नो वी हैव, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग योर मोहब्बत इज वेरी सेलेक्टिव मैडम। आई रिक्वेस्ट यू दैट आई कंग्रेचुलेट यू फॉर लव फॉर मुस्लिम वुमेन। प्लीज ऑल्सो शो सम एम्पथी एंड कंपैशन फॉर दोज 20 लाख, 24 लाख मैरिड वुमेन हु आर डिजर्टेड बाई दोज हस्बैंड्स who when filing nomination say they are married but their wives don't live with them in the Delhi. JNU के मुद्दे को लेकर News 24 पर कन्हैया कुमार का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में पत्रकार रजिस्ट्रेशन को लेकर बार बार सवाल करने लगे। कन्हैया ने उन्हें फीस में हुई बढ़ोतरी पर ना सवाल करने पर टोका और सही मुद्दों को उठाने की बात कही। कि आप एग्जाम हुआ करेंगे सर? एग्जाम हुआ है, कुछ लोग दिए हैं ना? कहाँ दिए? व्हाट्सएप? सुनिए सुनिए, क्या बात? नहीं नहीं, सुनिए तो सही। व्हाट्सएप? कुछ लोग देना चाहते थे व्हाट्सएप, और आपने क्या किया? नहीं, एक मिनट, व्हाट्सएप पे एग्जाम लेंगे? सुनिए ना, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप सुनिए तो सही। रजिस्ट्रेशन पे सिर्फ बात कर रहे हैं, सुनिए। फीस कैसे बढ़ाई गई? देखिए कन्हैया, नहीं सुन पा रहे हैं आप, सुन नहीं पा रहे हैं कन्हैया। तो मोदी सरकार को पूरा राइट है कि वो नोटबंदी कर दे, वो 370 हटा दे, वो जेएनयू की चला सकते हैं जेएनयू, नहीं वो जेएनयू की फीस बढ़ा दे, परमाणु आप विरोध कर सकते हो, ये अलग बात है, लेकिन आप दूसरे को फीस जमा करने से कैसे रोक रहे? पहली बात सर, अब फिर देखिए, हमको आप उस जगह नहीं फंसा पाएंगे क्योंकि हम रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है। इंडिया टुडे ने इलेक्शन से पहले मोदी जी का इंटरव्यू लिया। एंकर राहुल कंवल ने मोदी जी से उनकी पुरानी छवि को लेकर कुछ सवाल किए। अपने जवाब में मोदी जी ने एंकर को घेर लिया और सही पत्रकारिता करने को कहा। तो नरेंद्र मोदी का क्या इस बार रिस्पांस? एकदम हम देखेंगे, क्या गारंटी लेते हैं कि दोबारा कभी नहीं ऐसा कुछ होगा? आप देश की सेवा करना चाहते हैं? वाकई ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं? जी। एक काम करोगे? करोगे? मैं राहुल को पूछ रहा हूँ। बोलिए जी, आप एक काम कीजिए, 1984 की कॉमनवेल्थ वायलेंस का रिपोर्ट
भागलपुर के कमांडर वायलेंस का रिपोर्ट, 1969 गुजरात के कमांडर वायलेंस का रिपोर्ट, आपको जो ठीक लगे उस पैरामीटर से कंपैरिजन करें और उसमें अगर इन बाकी चारों से यहाँ अच्छी कामगिरी हुई है तो दुनिया को बताओगे, करिए इतना काम और फिर कोई सवाल है मेरे पास आना। काम तो गुजरात में अच्छा चल रहा है। नहीं यही वो उसी कमांडर वायलेंस की बात करता हूँ। आप ये जो एक हाइपोथेटिकल सवाल मुझे पूछा कि फिर ऐसा होगा तो मोदी क्या करेगा, इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट तो आपके लिए हर चीज इम्पोर्टेंट होती है, वरना दिल्ली से यहाँ क्यों आते हैं, तो आपकी रोजी रोटी उस पर है, तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है। मैं कोई आपके सवाल को तो नहीं मानता। एबीपी न्यूज पर तेजस्वी यादव का इंटरव्यू हुआ। एंकर लगातार बिहार इलेक्शन पर ही सवाल करता रहा, जिस पर तेजस्वी ने एंकर को मजदूरों के मुद्दे पर और कोरोना पर बात करने को कहा। एंकर के एक सवाल बार बार पूछने पर तेजस्वी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बिहार के चुनावों में क्या इस बार कोरोना का कहर रहेगा? क्या पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वे में लड़ा जाएगा, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं स्काइप के जरिए डिजिटल वे में? आप लोगों को तो जानकारी पहले मिल जाती है, इलेक्शन कमीशन को बाद में मिलती है। आप ई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? आपको इलेक्शन की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं है। चुनाव आयोग, आप चाहेंगे कि चुनाव टल जाए आगे या हो समय पर? क्या बताएं, अभी हमारे सामने हम चुनाव देखेंगे कि हम लोगों को जिंदगी बचाने में लगेंगे, उनको भूख मिटाने में लगेंगे। जनता के सामने तस्वीर साफ सामने लेकर आना। आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, मौका है आपके पास। आप कह दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। आप कह दीजिए आप जनता की सेवा करेंगे, आप एनजीओ खोल रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोल दीजिए आज आप, बोल दीजिए आज आप, बोल दीजिए आज आप, बोल दीजिए तेजस्वी, तेजस्वी आप बोल दीजिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोल दीजिए तेजस्वी, बोल दीजिए तेजस्वी, बोल दीजिए तेजस्वी, बोल दीजिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। न्यूज नेशन ने 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर मोदी के जवाब को कोट किया, जिस पर राहुल ने एंकर से पलट सवाल किया, जिससे एंकर परेशान दिखाई दिए। हमने न्यूज नेशन ने सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था दो दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल जी नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, कविता लिखी हुई, मगर जो उनकी नोटशीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था, जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया? मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उठी है। तो आप, और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं इसको? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैन एडिट दिस पार्ट ऑफ। तो आपने देखा कि जब नेता एंकर को उन्हीं की बातों में घेरते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एंकर देश के असल मुद्दों पर सत्ता से सवाल करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।